पाकिस्तान निशाने हैदर हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे रोज का आज दूसरा मैच जो कि नेवी और पंजाब रेंजर के दरमियान खेला जाएगा। आपसे चंद ही लम्हात। एम्पायर यासिर खुर्शीद और अमीर हमजा जी, दोनों सीजनल एम्पायर, और इसके साथ ही मैच का आगाज बेंच साइड पर हैं एम्पायर यासिर खुर्शीद और नियर साइड पर हमजा। हमजा का ताल्लुक पेशावर से जबकि यासिर खुर्शीद लाहौर से। हो सकता है कि ये नई जगह, नई ग्राउंड और फर्स्ट टाइम नई टीम फर्स्ट टाइम आपस में खेल रही है तो उसका प्रेशर भी हो सकता है, जो कि परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही उनको, कंबाइन नजर नहीं आ रहा है। तेज ब्रैक फ्लिक, लाइन स्टॉपर भी नहीं रोक पाए और यूं पहला गोल करने में कामयाब पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी के ये ड्रैग फ्लिकर देखिएगा रीप्ले में, और फिकी रुकी ये देखिएगा तेज ड्रैग फ्लिक गोलकीपर के लेफ्ट, और ड्रैग फ्लिकर तो उनका बड़े जबरदस्त, वो फेंक रहे हैं बॉल को गोल के अंदर। बॉल फिकी रुकी, बहुत टाइम मिला है, अच्छा ड्रैग फ्लिक था और ये एक और गोल करने में कामयाब। अली हैदर को कोई मौका नहीं दिया। ये सुल एहतशाम असलम जिन्होंने अपनी टीम के लिए दूसरा गोल स्कोर किया। पेनल्टी देखिएगा लेफ्ट साइड पर, लाइन स्टॉपर और गोलकीपर, तो वो उसी को ही अपना हथियार बनाए हुए मैच में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि दो गोल वो पेनल्टी कॉर्नर पे कर चुके हैं। एक मरतबा फिर डबल बैटरी के साथ आए हैं ताकि कंफ्यूज किया जा सके। इस मरतबा बॉल फिकी रुकी, तेज ड्रैग फ्लिक राइट साइड पर और ये एक इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक। कल वापडा के खिलाफ हैट्रिक, वापडा ने हैट्रिक की थी वापडा के खिलाड़ी ने, और आज ये एहतशाम असलम ने, ये देखिएगा रीप्ले में बॉल फिकी रुकी और लेफ्ट साइड पर गोलकीपर की बजाय इस मरतबा राइट साइड पर गोल किया एहतशाम ने। पहले क्वार्टर में के अख्तिताम में अभी चंद ही लम्हात बाकी हैं, किसी भी वक्त मैच का पहला क्वार्टर अख्तिताम पजीर हो सकता है, और तीन गोल के खसारे में पंजाब रेंजर। बहुत ओपन बॉल मिला है सेंटर फॉरवर्ड के पास और अच्छे तरीके के साथ सेंटर फॉरवर्ड को देना चाहते थे, मगर दिफाई खिलाड़ी की अपनी हॉकी से लगकर गोल हो गया, गेंद गोल पोस्ट के अंदर चली गई और यूं एक और गोल करने में कामयाब नेवी। ये देखिएगा रीप्ले में, देखा उन्होंने कि गोलकीपर ऊपर आए हुए हैं, उन्होंने बॉल देना चाहा फार पोस्ट पर अपने साथी खिलाड़ी को। एक मरतबा फिर पाकिस्तान नेवी पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए तैयार सिंगल बैटरी के साथ। बॉल फेंकी रुकी, तेज ड्रैग फ्लिक और एक और गोल करने में कामयाब। ये एहतशाम का इनफरादी तौर पर चौथा गोल, और मजमूई तौर पर पांचवा है। ये तेज ड्रैग फ्लिक थी सेंटर में, उम्दा बॉल, खूबसूरत गोल करने में कामयाब। फार पोस्ट पर फ्री खड़े थे पंजाब रेंजर के फॉरवर्ड और बहुत ओपनिंग के साथ बॉल मिला जिसे बगैर किसी गलती के, ये देखिएगा रिप्ले में, ये तेज स्लैप शॉट फार पोस्ट पर, अकेले खड़े थे, हल्का सा टच लगाया, गोलकीपर को कोई मौका नहीं मिला कि वो बॉल, और ये फ्री के गोल्स होते हैं फार पोस्ट पर खड़े हुए खिलाड़ी के लिए, और वो टूर्नामेंट का बेस्ट टॉप स्कोरर भी बन सकता है अगर वो सिर्फ फार पोस्ट को कवर करता है। लेफ्ट साइड से अच्छा, और ये एक और गोल, और ये एक और गोल करने में कामयाब पाकिस्तान नेवी। ये पाकिस्तान नेवी के लेफ्ट एंड अपनी टीम के लिए छठा गोल जिन्होंने किया। ये देखिएगा लेफ्ट साइड से बहुत तेज हिट थी, गोलकीपर को कोई मौका नहीं दिया कि वो पैड बंद कर सके। अभी बॉल जुल्कर नैन के पास, जुल्कर नैन ने अपने सेंटर हाफ को पास दिया, सेंटर हाफ का दोबारा उधर बॉल फेंकने की कोशिश और जुल्कर नैन ने इस बॉल को रिसीव किया। बॉल अभी भी बॉल हासिल करने की कोशिश करते हुए नेवी के लेफ्ट आउट के पास, जुल्कर नैन के पास, डी के बिल्कुल ऊपर, डी के अंदर सीधा करके बॉल पहुंचाना चाह रहे थे और ये गोल करने में कामयाब हो गए जुल्कर नैन एक और अपनी टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने बॉल सीधा किया, उसको मिस जज किया गोलकीपर ने और पंजाब रेंजर के दिफाई खिलाड़ियों ने। ये देखिएगा रीप्ले में, ये बड़े नैरो एंगल से बॉल उन्होंने सीधा किया और पहुंचाना चाहा था।
बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए नेवी के लेफ्टिनेंट को देना चाहते थे, मगर वहां दिफाई खिलाड़ी मौजूद पंजाब रेंजर्स के। एक मरतबा फिर राइट साइड से अटैक करते हुए पंजाब रेंजर, राइट इन राइट आउट के पास बॉल, अच्छा बॉल दिया है राइट इन को, बॉल खिलाना चाह रहे थे अपने सेंटर फॉरवर्ड को जो कि डीप ऑफ द डी खड़े थे, मगर वहां दिफाई का बॉल आ गया लेफ्ट आउट के पास। अच्छी ट्राई, खूबसूरत गोल करने में कामयाब इस वक्त पंजाब रेंजर्स के लेफ्ट आउट, उम्दा गोल स्कोर किया है ये पंजाब रेंजर्स के लेफ्ट आउट ने। ये देखिएगा रीप्ले में, लेफ्ट आउट के पास बहुत ओपनिंग मिली हुई थी मोहम्मद नुमान, बहुत खूबसूरत तेज ट्रैक लेफ्ट साइड से हिट लगाई और अपनी टीम के लिए बॉल फेंकने के लिए तैयार, 10 नंबर की किट पहने हुए पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अली और बॉल फेंकी, रुकी, सिंगल लेफ्ट किया है, अच्छा मौका, मगर वहां प्रॉपर तरीके से सिंगल लेफ्ट जिन्होंने किया था वो अच्छे तरीके से उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, बहुत ओपनिंग मिल चुकी थी, इतना टाइम था, अगर वो फेंकते तो सीधा गोल में जाती बॉल। ये देखिएगा, डिसीव कर दिया था फर्स्ट रनर को, बहुत ओपनिंग मिल गई थी, बहुत टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा टाइम लिया जिस वजह से बॉल फेंकने के लिए तैयार, बॉल फेंकी, रुकी, सुफियान की तेज ड्रा, खूबसूरत सेव गोलकीपर का, बहुत उम्दा सेव गोलकीपर का, बिल्कुल गोलकीपर के ऊपर था और उसको भरपूर तरीके से गोलकीपर ने सेव किया, नाकाम रहे, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। किसी भी लम्हे खेल का तीसरा क्वार्टर इख्तिताम पजीर होने वाला है। लेफ्ट हैंड ने बॉल देना चाहा था अपने राइट हैंड को, मगर वहां दिफाई खिलाड़ी मौजूद पंजाब पाकिस्तान नेवी के फुल बैक, बड़ा अच्छा पास दिया लेफ्ट की तरफ, खतरनाक हो सकता है, उस वहां से बॉल डी के अंदर लेफ्ट आउट के पास वापस पास, लेकिन और ये एक और गोल करने में कामयाब पाकिस्तान नेवी के नंबर फॉरवर्ड, 8 गोल करने में कामयाब हो चुके हैं और फिर अपने राइट ऑफ को बॉल दिया है, राइट ऑफ बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, दो खड़िए को डॉज करने के बाद पास देने की कोशिश लेकिन कामयाब ना हो सके। और रेंजर्स की तरफ से ये गोल स्कोर, साबर गेंद फेंकने के लिए तैयार, गेंद फेंकी, रुकी और ये गोल, बहुत ही बेहतरीन ड्रैग फ्लिक से गोल करते हुए, इस तरह नेवी पाकिस्तान नेवी का नवा गोल, 9-6 गोलों की बढ़तरी के साथ नेवी 9 और पाकिस्तान पंजाब रेंजर 3 गोल। लेफ्ट आउट के पास बॉल, लेफ्ट आउट गेंद बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, 25 क्रॉस की, एक खिलाड़ी को डॉच किया अपने ही साथी लेफ्ट आउट को पास दिया, लेफ्ट आउट ने फिर एक खिलाड़ी को डॉच किया, डॉटेड लाइन पे आए, बहुत ही अच्छा सुनहरी मौका और इस तरह अंपायर ने शॉर्ट कॉर्नर का इशारा करते हुए, साबर गेंद फेंक रहे हैं, साबर बिल्कुल तैयार गेंद फेंकने के लिए, गेंद गेंद फेंकी, रुकी, सही तरह रोक ना पाए और गेंद फंबल हो गई, डी के अंदर दाखिल हुए, सुनहरी मौका गोल करने का और ये एक और गोल, पाकिस्तान नेवी की तरफ से 10वां गोल स्कोर हो गया, बहुत ही बेहतरीन पास दिया जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइनल टच देते हुए बैक फ्लिक के साथ गोल किया, गोलकीपर रोकने में बुरी तरह नाकाम हुए। आज के इस दूसरे रोज के दूसरे मैच में ऑल पाकिस्तान निशाने हैदर हॉकी कप टूर्नामेंट का दूसरे रोज का दूसरा मैच जो कि पाकिस्तान ने